नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। 15 नवंबर से राशन कार्ड धारकों को हर माह मिलेगी 1 किलो दाल। झारखंड में 1 रुपये किलो चना दाल मिलेगी। झारखंड कैबिनेट की मीटिंग में ही इसकी घोषणा की गई थी। अब इस बारे में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान सामने आया है। मंत्री ने बताया है कि इसकी शुरुआत झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर से होगी। हालांकि सभी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल लाभुकों को ही इसका लाभ मिलेगा। ऐसे में सरकार की इस स्कीम से राज्य के 65 लाख राशन कार्डधारी लाभान्वित होंगे। मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया है कि 15 नवंबर से लाभुकों को प्रति माह 1 रुपये किलो दाल दी जाएगी। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मालूम हो कि 11 अगस्त को ही सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में 30 फैसले लिए गए। इसमें से एक अहम फैसला था सूबे के सभी कार्ड धारकों को 1 रुपये किलो की दर से चने की दाल देना। झारखंड के सरकारी स्कूलों में हर बुधवार को मड़ुआ के व्यंजन। झारखंड सरकार की ओर से गरीबों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने की कवायद की जा रही है। हाल ही में यह भी फैसला लिया गया है कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन में अतिरिक्त पोषाहार के तहत बच्चों को बुधवार को मड़ुआ का हलवा या लड्डू दिया जाएगा। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में पत्र भी जारी किया गया है। प्राधिकरण द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सप्ताह में बुधवार को मड़ुआ का हलवा लड्डू दिया जाए। बुधवार को विद्यालय में अवकाश रहने की स्थिति में यह व्यंजन अगले कार्य दिवस पर देने को कहा गया। वहीं बच्चों को मड़ुआ का हलवा या लड्डू दोनों में से क्या दिया जाए, इसका निर्णय विद्यालय स्तर पर बच्चों की पसंद के आधार पर लिया जाएगा। इस संबंध में कमेटी का गठन किया गया है। इसके लिए प्राधिकरण की ओर से PFMS पोर्टल के माध्यम से जिलों को 9.72 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिए गए हैं। सरना धर्म कोड को लेकर 30 दिसंबर तक केंद्र ले निर्णय। सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासी सेगेल अभियान के नेतृत्व में आदिवासियों का महाजुटान हुआ। रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मांगे की गई है कि 30 दिसंबर तक सरकार इस पर निर्णय ले, नहीं तो भारत बंद किया जाएगा। बता दें, आदिवासी सेगेल अभियान ने केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड की मांग को 30 दिसंबर से पहले मान लेने की धमकी दी है, नहीं तो भारत बंद कर आदिवासी अपनी मांगों को लेकर रेल और सड़क जाम करने को विवश हो जाएंगे। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में आदिवासियों के महाजुटान के दौरान आदिवासी सेगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष साल खान मुर्मू ने यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के पास 2 महीने का वक्त है, इस मांग को पूरा कर आदिवासियों की लंबी समय से चली आ रही मांग को पूरा किया जा सकता है। झारखंड के बीएड ट्रेनी परेशान, किया प्रदर्शन। राज्य के विभिन्न जिलों के बीएड कॉलेजों के प्रशिक्षुओं ने बुधवार को झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रशिक्षुओं ने 5 महीने के लिए अवलोकन और शिक्षण अभ्यास के लिए JCERT की ओर से आवंटित स्कूलों के कारण हो रही समस्या को अधिकारियों के समक्ष रखा। प्रशिक्षुओं ने बताया है कि उन्हें दिए गए स्कूलों में आने जाने में बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई दूर दराज के स्कूलों में आवागमन के लिए वाहन की सुविधा तक नहीं है। वहीं आने जाने का प्रतिदिन का किराया 200 से 300 रुपये है। इसके अलावा स्कूलों की दूरी भी 30 से 60 किलोमीटर है। उनका कहना था कि कई स्कूलों का मार्ग जंगल घाटी और शमशान घाट से गुजरता है। प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि सभी समस्या से अवगत होने के बावजूद JCERT के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। पीएम मोदी का खुट्टी दौरा, DGP ने लिया जायजा। जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव, गृह सचिव और DGP समेत कई अधिकारी खुट्टी पहुंचे, जिसके बाद अधिकारियों ने बिरसा कॉलेज स्थित फुटबॉल स्टेडियम निर्माण कार्य और अस्थायी हेलीपैड का जायजा लिया। फिर बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर को उलिहातू दौरे से पूर्व तैयारियां जोरों पर है। लगातार अधिकारी उलिहातू और खुट्टी में आयोजित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों के द्वारा खुट्टी जिले के SP और SSC निर्देशित किया गया है कि सभी अधिकारी अपनी समन्वय के साथ काम करें, ताकि विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के अलावा ट्रैफिक व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था बेहतर बनी रहे।
ग्राम गाड़ी योजना में बस नहीं देना चाहते संचालक। पूर्वी सिंहभूम में 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस से सरकार ग्राम गाड़ी योजना शुरू करने वाली है, लेकिन संचालक नई बस देना नहीं चाहते हैं क्योंकि बस संचालकों ने डीजल में सब्सिडी के साथ किराए में नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग उठाई थी, जिसमें स्पष्ट आदेश नहीं हुआ है। हालांकि सरकार ने बस संचालकों को परमिट, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस व टैक्स शुल्क निःशुल्क करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा बस फाइनेंस कराने पर ब्याज का कुछ प्रतिशत भी देने को तैयार है। मालूम हो कि जिला परिवहन पदाधिकारी ने बस संचालकों के साथ बैठक में 14 नवंबर शाम तक नई बस मांगी है, लेकिन बस संचालक सरकार व अधिकारियों की बातों से संतुष्ट नहीं हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों का खाता नहीं खुलने से नहीं मिल पा रहा लाभ। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए भी प्रयास किए गए हैं, लेकिन इन दिनों इन योजनाओं का लाभ मिलना मुश्किल हो गया है। बच्चों और उनके अभिभावकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अपना बैंक खाता रखना अनिवार्य कर दिया है। बैंक खाता खोलने के लिए आधार अनिवार्य है और आधार के लिए नगर पालिका द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है। ऐसे में उन अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है जिनके पास अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे बच्चों को सरकारी योजना का लाभ मिलने में काफ़ी परेशानी हो रही है। सरना धर्म कोड के बाद आदिवासी राष्ट्र की उठी मांग। आदिवासी सेगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष साल खान मुर्मू ने आदिवासी राष्ट्र की मांग कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित जनसभा में साल खान मुर्मू ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, अगर आदिवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी नहीं होती है तो हम इस देश के अंदर आदिवासी राष्ट्र की मांग करेंगे जिसका केंद्र झारखंड होगा। बता दें, साल खान मुर्मू ने कहा है कि अगर झारखंड से आदिवासी खत्म हो गए तो पूरे देश से आदिवासी खत्म हो जाएंगे। इस देश में लगभग 15 करोड़ आदिवासी हैं जो प्राकृतिक पूजक हैं, वे न ही हिंदू हैं न ही ईसाई हैं, इसलिए उनकी मांग केंद्र सरकार को पूरी करनी चाहिए। इन आदिवासियों को न तो धर्म का अधिकार है और न ही भाषा का अधिकार, संविधान प्रदत्त अधिकारों से इन्हें वंचित रखा गया है। मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं नीतीश कुमार, सांसद संजय सेठ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से विधानसभा में जो बयान दिया गया वह उनकी विक्षिप्तता की निशानी है। उनके इस बयान से भारत व भारत का लोकतंत्र संसार हुआ है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर इस प्रकार की ओछी बयानबाजी करे या किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं हो सकता। बुधवार को ये बातें सांसद संजय सेठ ने कही है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, उन्हें बेहतर इलाज या काउंसलिंग की ज़रूरत है। यदि उन्हें बेहतर इलाज व काउंसलिंग की आवश्यकता है तो वे रांची आ जाए, यहां कांके में उनके लिए उचित काउंसलिंग की व्यवस्था करवा दूंगा। पलामू में उग्रवादियों के विरुद्ध चलेगा विशेष अभियान। पलामू में उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलेगा। बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी रिश्मा रमेशन ने बुधवार को पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध गोष्ठी में यह बातें कही है। एसपी ने कहा है कि उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई के दृष्टिकोण से मनातू, नवा बाजार, छतरपुर, नौडीहा एवं हरिहरगंज में विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसके आरोपी झारखंड से भागकर दूसरे राज्यों में छिपे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस महानिरीक्षक से अनुमति लेकर संबंधित राज्य में जाकर अविलंब कार्रवाई की जाए। हत्या के जिन कांडों का उद्भेदन अभी तक नहीं हो पाया है उन मामलों में भी तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी विशेष रूप से इस पर ध्यान दें और सभी केस का खुलासा करें। धन्यवाद।